बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बड़ी ही अलग थलग, बड़ी मुनफरिद, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे लैम का पटियाला गोश्त। बड़ी ही ज़बरदस्त बनती है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि आपको कोई मुनफरिद और अलग थलग सी चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए, और उसकी रेसिपी जब तक ऑथेंटिक ना हो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करता हूँ। इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए और ये कैसे बनाई जाती है, ये मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से देखें और सारे स्टेप फॉलो करें, पता आपको पता हो कि कौन सा मसाला और कौन सी चीज़ किस टाइम पे हमने डालनी है। तो चलें बनाना स्टार्ट करें। हमने यहाँ पे 1.5 किलो लैम का मीट ले लिया, बकरे का, मटन का, जो भी आप कहें। क्रीमी दही है हमारे पास, योगर्ट ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, नमक आप हसबे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून लिया है, हल्दी 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च 1 टीस्पून मैंने लिए है, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च कोर्स वाली 1 टीस्पून, भुना हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून और भुना हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून मैंने लिया कसूरी मेथी, ये ब्लेंच आलमंड पाउडर या बादामों को भिगो के छील लें और उसका पाउडर बना लें, ये तकरीबन 3 टीस्पूनफुल है, 3 टीस्पूनफुल मैंने लिया है कैश्यू नट का पाउडर, अदरक का पेस्ट हमें 1 से 1.5 टेबलस्पून चाहिए होगा, गार्लिक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 से 1.5 टेबलस्पून, क्रीम हमने डालनी है उसमें, ये सिंगल क्रीम है, कोई भी क्रीम आप डाल सकते हैं, तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून, खड़े मसाले हमें जो चाहिए होंगे 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, 7 से 8 लौंग, 6 इलायचियाँ हैं हमारे पास और सिनेमन स्टिक का एक टुकड़ा मैंने ले लिया है। उसके अलावा ऑयल हमें चाहिए होगा पकाने के लिए, जो ग्रीन हमारे वेजिटेबल हैं उसमें हमने लिया है बेल पेपर्स मैंने 2 लिए, धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्चे हैं 4 से 5 अदद, 6 अदद हमने मीडियम प्याज लिए हैं और 4 टमाटर लिए हैं। तो चले बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम अपने मीट को मैरिनेट कर लेंगे, तो इसमें हम डाल देंगे दही, ये हमने तकरीबन 4 टेबलस्पून डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया का पाउडर, ये हम तकरीबन 1.5 टीस्पून डाला, ज़ीरा ये भी 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखते हैं। आप देख सकते हैं इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए, हमने फ्रिज में रखा हुआ था मैरिनेशन के लिए। अब 15 मिनट के बाद अब हम इसमें गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पूनफुल डाल देंगे और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पूनफुल, और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और उसके बाद फर्दर 10 से 15 मिनट फ्रिज में वापस रख देंगे। चार प्याज को चॉप करके इधर रख लिया, मैंने ग्राइंडर में डाला और उसको चॉप कर लिया, धनिया काट लिया गार्निशिंग के लिए, ग्रीन चिलीज है उसको हमने स्लांटिंग में ये गार्निश के लिए, और ये जब हम भूनेंगे उसमें डालेंगे, टमाटोज के मैंने क्यूब्स करके इनको ग्राइंडर में डाल के तो ग्राइंड कर लिया, कुछ प्याज जो है उसको मैंने जो लेयर्स है उसकी सेपरेट कर ली है ऐसे, और जो शिमला मिर्च या बेल पेपर उसको मैंने काट के इस तरह के क्यूब्स कर लिए। सो व्यूअर्स, मीट हमारा जो है वो बड़े अच्छे से मैरिनेट हो गया, इसको हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। पैन हमारा जो है वो गर्म हो गया, इसमें हम आधा कप ऑयल डालते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें से हम ये आधे से ज्यादा जीरा इसमें डाल देंगे, सिनेमन स्टिक, लौंग और ये इलायची, इसको 1 मिनट के लिए सोटे कर लेते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें लहसुन का पेस्ट,
एक टीस्पून हमने डाला है अदरक का पेस्ट, और जो प्याज हमने चॉप किया था ये डाल देंगे, और इसको हल्का सा ब्राउन कर, आप देख सकते हैं कि ये लाइट ब्राउन हमारा जो अनियन है वो हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारे टमाटर्स हैं वो डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह 4 से 5 मिनट भूनेंगे। जो फ्लेम है हमारा इस वक्त हमने हाई पे रखा है, इसका थोड़ा सा नमक जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून उसमें डाला था, तो तकरीबन 1 फ्लैट टीस्पून मैं और डाल देता हूँ। आधा चम्मच हाफ टी स्पून हम हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर का डाल देंगे। मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। अब इस मसाले को तकरीबन 5 मिनट के लिए हम ढक्कन दे के तो दम करेंगे, ताकि जो टमाटोज हैं वो अच्छी तरह मशी हो जाए। उसके बाद हम इसमें मीट डालते हैं। इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए, इसको उठा के देखते हैं। देखिए हमारा मसाला जो है बड़ा अच्छा सा भून गया। एक और बात बताता चलूँ कि ये कुछ लहसुन की कलियां हमने लेके उनको पीस के तो उसका हमने पानी बना लिया, तो जो पानी हम यूज़ करेंगे साथ साथ भूनते वक्त, तो ये लहसुन वाला पानी जो है ये यूज़ करेंगे। इस मकाम पे आके तो थोड़ी सी जो ग्रेवी है हम इसमें से निकाल लेंगे, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जो ऑयल है वो भी बहुत कम डाला है, क्योंकि अभी हम जब इसकी फाइनल ग्रेवी तैयार करेंगे तो उसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल और होगा। इस वक्त हम इस आंदे में थोड़ा सा डालते हैं पानी। अब हम इसमें सारा जो मीट हमारा है वो डाल देंगे। तो मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको भून लेते हैं हाई फ्लेम पे। अभी से खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आना शुरू हो गई है। ये देखें हमारा गोश्त जो है बड़ा ज़बरदस्त भून गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट गलने के लिए छोड़ देंगे। जिस बाउल में हमने मीट को मैरिनेट किया था उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला, और ये पानी इसमें तकरीबन हमने 1 लीटर पानी इसमें डाल दिया। अब अपना फ्लेम जो है वो हम लो से मीडियम कर देंगे और इसको ढक देते हैं, तो 20 से 25 मिनट के बाद आपसे। तो अभी बस हमारा जो मीट है हमने इसको गलने के लिए छोड़ दिया था, तकरीबन 35 मिनट्स हो गए। इसको खोल के देखते हैं ज़रा, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मीट हमारा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गल चुका है। सो अब हमने इसकी अलहदा से ग्रेवी तैयार कर दी है। थोड़ा सा पानी हम खुश कर लेते हैं, फ्लेम इसका हम हाई कर देंगे। तो ये जो खड़े मसाले हैं हम इसमें से निकाल लेते हैं। अब दूसरे चूल्हे पे हमने पैन रख लिया है और उसमें हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसमें आप ऑयल भी डाल सकते हैं, मैं तकरीबन 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल रहा हूँ। आप ऑयल में बना सकते हैं या ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं या देसी घी डाल दें। इसमें अब तकरीबन 1/2 टीस्पून हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट, और 1/2 टीस्पून हम डाल रहे हैं अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और यह जीरा पाउडर अच्छे से करते हैं। अब इसमें से जो हमने ग्रेवी निकाल के रखी थी ये ग्रेवी इसमें डाल देंगे, साथ ही जो हमने साबुत जीरा छोड़ा था वो डाल दिया, थोड़ा सा इसमें धनिया डालें, और जो योगर्ट हमने बचा लिया था ये हम डाल दें। अच्छे से करेंगे मिक्स, इसको 2 से 3 मिनट ज़रा छोटे करते हैं। अब जो हमने ब्लेंच आलमंड का पाउडर बनाया था वो डाल देंगे, और जो कैश्यू नट्स यानी काजू का पाउडर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। हमारा मीट में जो पानी है थोड़ा सा हम वो यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पानी डालते हैं। और अब जो हमने ये बेल पेपर्स एंड अनियन के जो हमने अलहदा करके रखे हुए हैं वो डाल देंगे, इसको 2 मिनट के लिए ज़रा पकाएंगे। मीन टाइम जो हमारा मीट है ये कसूरी मेथी हम इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू जो है वो आनी शुरू हो गई है,
अब सारा मसाला जो है, जो ग्रेवी हमने बनाई है, ये हम इसके अंदर शामिल करते हैं मेन मीट वाले कढ़ाई के अंदर। इसको अच्छे से करते हैं ज़रा मिक्स। आप देख सकते हैं कलर, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त, मज़ा तो अब आएगा जब खाएंगे। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और ये सिंगल क्रीम है, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको सिर्फ हम 1 से 2 मिनट के लिए कवर करेंगे और इसकी हीट जो है बिल्कुल स्लो पे कर देंगे, फिर मैं आपको डिश आउट करके। सो हमारा पटियाला गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसकी फाइनल लुक है और बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू है और टेस्ट, अगर आप इसको चखें तो आप उंगलियां चाटते रह जाए, इतना मज़ेदार बना है। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। सो दोस्तों, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, हमारा पटियाला गोश्त जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त तैयार हो गया है, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है और टेस्ट जो है वो इस अनबिलीवेबल। अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करें तो बड़ी आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे फीडबैक जरूर दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।